नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत। आयरलैंड की चुनावी यात्रा में मैं आपका स्वागत करता हूँ गोंडा से। साथ में बैठे हैं सुधाकर श्रीवास्तव जी। सुधाकर श्रीवास्तव बैठे हैं, चश्मा उस्मा लगा के टाइट हैं, ये घड़ी वड़ी लगाए हैं, और क्या है उस हाथ में, ये स्वास्तिक का ब्रेसलेट है। हम लोग जब पहुँचे यहाँ पे, इस चौकी लगी हुई है, चाय की दुकान, खाने पीने का आइटम मिल रहा है। बल्लीपुर गाँव में है हम लोग ना जी, बल्लीपुर गाँव में हम लोग, गोंडा के चौराहा है बल्ली, हाँ निर्मल नगर चौराहा है, चाचा जी बता रहे हैं, शुक्रिया चाचा जी। निर्मल नगर चौराहा है, वहाँ बैठे थे हम लोग, आए बातचीत करने। सुधाकर श्रीवास्तव चश्मा वश्मा लगा के टाइट होके आए, मोबाइल से, ये मोबाइल दिखाइए सुधाकर, मोबाइल से उतारने लगे वीडियो हम लोग का। तो हम लोग बोले कि हम लोग तो मीडिया से हैं, तो लोग बताए कि ये भी तो सोशल मीडिया से हैं, है ना सुधाकर? अच्छा जी, सुधा सोशल मीडिया चलाते हैं जी। क्या होता है सोशल मीडिया? फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब चलाते हैं। इतना समय देते हैं, पढ़ाइया कब करते हैं वो? अरे हम पढ़ाई करने के बाद चलाते हैं। पढ़ाई करने के बाद चलाते हैं, अच्छा। घर वाले चलाने देते हैं? बोलते हैं नहीं कि बदमाशी कर रहे हो चलाओ मत? अरे बदमाशी क्या, उसमें सब लोग से जुड़े हैं। सब लोगों से जुड़े हैं, नेता वेता बनना है क्या हो सुधाकर? हाँ नेता बनना है, अरे गजब, देखिए ये होता है गट्स। सुधाकर ये बताइए, अभी आपसे हम वादा लिए थे गाना सुनाएंगे, आप कोई गाना वाना गाते होते हैं कि नहीं पहले ये बताइए? गाते हैं कभी कभी। एक गाना सुना दीजिए, फिर राजनीतिक बातचीत किया जाएगा। अभी लास्ट में सुन लेना आप। अरे नहीं, शुरुआत में, लास्ट में भी सुना देना, शुरुआत में भी सुना दो। कौन सा गाना? कौन सा मूड, पहला दिमाग गाना, गाना कौन सा आ रहा है मन में? कोई याद कर रहे हैं फिल्म का ही सुना दो। फिल्म कौन से फिल्म का? कोई भी फिल्म, इधर बीच आजकल की कोई फिल्म देखते हो कि नहीं? फिल्म देखते हैं। हाँ तो सुनाओ। कौन सा गाना है, रुको याद करने, कोई सुनाओ कोई भी। अभी याद नहीं आ रहा है। नहीं याद आ रहा है, अच्छा जी। तो ये है मनकापुर विधानसभा में सुधाकर जी का गांव, सबका गांव, बल्लीपुर गांव, गोंडा लोकसभा में आता है। हम लोग यहाँ पे आए, लोगों से बातचीत की कि क्या है, क्या खास है, क्या समस्याएं हैं। कुछ समझ में नहीं आता है कैमरे के पहले बातचीत करने में। लोग समझाते हैं कि कुछ सब कुछ ठीक है, सब कुछ बना हुआ है, सब कुछ तैयार है, लेकिन फिर धीरे धीरे बातचीत की परतें खुलती हैं। पास में ही राजा कीर्तिवर्धन सिंह की हवेली है। कीर्तिवर्धन सिंह यहाँ से सांसद हैं इस समय, भाजपा के, इस साल के प्रत्याशी भी हैं भाजपा के। सामने सपा के पंडित सिंह, विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह हैं। कांग्रेस से हो गई गलती, कृष्णा पटेल को उतारना चाह रही थी कांग्रेस, अनुप्रिया पटेल की माता जी को, लेकिन सिंबल इलेक्शन कमीशन ने नकार दिया। तो कृष्णा पटेल एक तरीके से तो निर्दलीय लड़ रही हैं, लेकिन कांग्रेस का समर्थन मिला हुआ है उनको। और सामने एक और कैंडिडेट हैं जो शायद रोचक तरीके से समीकरण बदलेंगे आने वाले दिनों में। उनका नाम है कुतुबुद्दीन डायमंड नाम है उनका। वो हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया से, यानी शिवपाल यादव की पार्टी, जो उन्होंने समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद बनाई थी। तो बगल में राजा कीर्तिवर्धन सिंह को यहाँ राजा साहब कहा जाता है ना। कीर्तिवर्धन सिंह कहाँ के राजा हैं, कहाँ क्या, कोई कहानी वानी पता है उनको आपकी? उतना तो नहीं मालूम है। राजा है, कोई कहानी पता है कीर्तिवर्धन सिंह को राजा क्यों कहा जाता है? चाचा राजा हैं ये हम लोग जानते हैं बस। अच्छा हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा बाउर यादव नाम है। बाउर यादव? बाउर यादव जी, आपकी टोपी पे लिखा है नमो नमः। अरे ये तो टोपी तो लगाने पड़ेगा हैं, रुकिए ना, लिखा है आई बो टू यू इन रिस्पेक्ट फ्रॉम माइंड सोल एंड थॉट्स। आपको पता है नमो नमः का क्या मतलब होता है? अब नमो नमो का वो इतना पढ़े लिखे नहीं है जी। नमो नमो किसको कहते हैं, कौन नेताओं कहते हैं लोग? नमो नमो अपने उनको जपित है बस। नमो एक नेता को भी कहा जाता है, पता है किसी को कहा जाता है? नेता को हम कहा जानी, हम ये अपने टोपी का जानी था। अच्छा आपको पता है कौन नेता को नमो कहा जाता है भाई? नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी को नमो कहा जाता है। अब टोपी है ये जानता हूँ, इतना पढ़े लिखे नहीं है मुझे। अच्छा जी, तो अभी यही बता दीजिए आपके नरेंद्र मोदी आपको कैसे नेता लगते हैं? ठीक है, कोई वो नहीं, सब नेता सही है। राजा साहब आपके कुछ काम धाम करवाए कि नहीं इलाके में? राजा साहब क्यों नहीं काम करते हैं? हमारे राजा साहब तो राजे हैं। कौन चीज़ से राजा हैं? अरे हर चीज़ से राजा हैं। कोई काम लागे तो जाओ, तो फिर राजा तो राजे हैं। मैंने आप लोग जाते हैं कोई काम पड़ते हैं उनसे मिलने? हाँ बिल्कुल जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं? इस उनके क्षेत्र में हैं, उनके राज में हैं, तो क्यों नहीं जाएंगे? अच्छा हाँ, क्षेत्र में उनके राज में तो जाते हैं आप लोग। अच्छा जी बिल्कुल। हाँ क्या नाम है सर आपका?
मेरा नाम उदय भान। उदय भान जी, उदय भान जी ये बताइए कि गोंडा में आपके गांव से सोचते हुए बताइए, गांव की तरफ से सोचते हुए कि गोंडा में किधर राजनीतिक हवा बह रही है। देखिए ऐसा है, जो जिसका समर्थक है वो उसी को बता देता है। हाँ जी, समझ रहे, मान रहे हैं। और जो जो वोटर है वो अपने मन में लिए है कि हम किसको वोट देंगे, कौन देश हित में कार्य कर रहा है, कौन हमारे हित में कार्य कर रहा है, तो इसी आधार पर है। वोटर खुल नहीं रहा है, अब वैसे समर्थक जो जिसके हैं वो ऐसा बता देते हैं, जो समर्थक जिसके हैं वो ऐसा बता देते हैं। ये बताइएगा कि गोंडा में अभी आपको क्या लगता है, गोंडा या आसपास का गांव कस्बा देखते हुए, ग्राम पंचायत देखते हुए, क्या लगता है कि आने वाले सांसद को कौन सा काम करना चाहिए, कौन सी समस्या है आसपास के इलाके की जिस पर काम किया जाना बचाए भी। देखिए गाँव में बिजली पानी यही होना चाहिए, बिजली है, राशन है, यही गाँव की जनता तो यही चाहती है। सड़क होना चाहिए गाँव में, बस ज़्यादा विवाद ना हो, अगर होता है तो उसको सांसद हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उसको किसी तरीके समझा बुझा कर शांत कर दें कोई बात। लेकिन मोदी जी गांव में बिजली तो पहुँचाए ही हैं, बताते हैं लोग। देखिए ऐसा है, आप तो मीडिया वाले हैं, हम उसमें उतना ही विश्वास करते हैं क्योंकि आप लोग बढ़ा चढ़ा कर टेढ़ा मेढ़ा करके उसको प्रसारित कर दें ना, हम तो पूछ रहे हैं आपसे इसलिए बोल रहे हैं, आप जो बोलेंगे वो हम वो लिखेंगे, वो चलाएंगे। नहीं नहीं, हम जो कह रहे हैं यही तो गड़बड़ है, जो जनता कहती है, आप बुद्धिजीवी कहता है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तुर मड़ोर कर देते हैं आप लोग। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है साहब, देखिए आप जो लिखेंगे आप जो बोलेंगे वो चलेगा। ऐसा है, जो विद्युतीकरण हुआ है, कब कब इसकी योजना लागू हुई, किसने करवाया, हम आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे इसके पहले पंचायत चुनाव हुआ, लिस्ट जो बनी आवास की या और कोई कार्य योजना जो बाकी थी उसको वर्तमान प्रधान ने करवाया, तो लोग कहते हैं वर्तमान प्रधान ने ऐसा कार्य किया, लेकिन कार्य योजना तो पिछले प्रधान की है। मैं किसी की बुराई नहीं करता, नहीं नहीं, तो यही कह रहे हैं कि जो कार्य योजना सड़कें बनी है, खड़ंजा लगा है, विकास हुआ है, खंभे गड़े हैं, ये किसकी कार्य योजना है इसको आप लोग बताएं, तब तो पता चले कि मोदी जी कर रहे हैं कि कौन कर रहा है। मोदी जी कार्य योजना नहीं है आपके कहने का मतलब है। अब हम तो ये जानते हैं कि जब आप मीडिया हैं तो आप इसको बताइए, आप बताइए कि ये जो विद्युतीकरण हुआ है आपके तो आपके पास तो कई दिन भैया। हाँ, क्या नाम है आपका? ईश्वरदेव। ईश्वरदेव क्या करते हैं आप? बस रोजगार वैसे हैं, किसान वाले हैं सब। मतलब रोजगार वैसे हैं, किसान वाले हैं, किसान हैं आप। अच्छा जी, हाँ क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा हूँ मोदी जी कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि 5 साल में आके इतने तरक्की कर दिए, 75-70 साल हो गए कांग्रेस कुछ नहीं किए, 70 साल हो गए कांग्रेस के, आज 70 साल में कांग्रेस की ही देन है ना, 5 साल में इतने कहाँ मोदी जी दे दिए इतनी। 70 साल में कांग्रेस क्या कर दी? 70 साल में बहुत चीज किए, बिजली खम्भा लाइट सड़क गाड़ी घोड़ा सब उन्हीं के देने, हवाई जहाज उन्हीं के देने, रेल यात्रा सब उन्हीं के देने, अब कह रहे 5 साल में इतने मोदी जी दे दिए, हम तो नहीं लग रहा मोदी जी इतने दे दिए 5 साल के अंदर अंदर। मोदी जी क्या कि मोदी जी लोग बताते हैं लेकिन कि भाई गांव-गांव में बिजली पहुंचाया, खंभा बिजली को जो है 5 साल के अंदर मोदी शौचालय बनवाए, आपको गैस सिलेंडर दिए, अब 5 साल के अंदर इतने जल्दी मोदी जी कहां से ला के दे देंगे, आप ही आप बताइए, आप पढ़े लिखे आप भी होंगे तो आप तो 5 साल के अंदर। हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो लोगों की बात पे भरोसा कर रहे हैं ना, कि लोग जो बोल रहे हैं हम लोगों की बात सुन के आपको बता रहे हैं कि 5 साल में दे दिए, 5 साल में, 5 साल में हम तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 5 साल में तो उनको सोचने लगे अपना, 5 साल में तो कुछ लगेगा, टाइम लगेगा, अब कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं, कांग्रेस लूट के ले गया, तो नहीं लग रहा लूट के ले गया कांग्रेस, लगता है 70 साल में कांग्रेस ने काम कराया, मोदी जी ने 5 साल में काम नहीं कराया। नहीं 5 साल वो भी कराया, नहीं कहने के कराया, अब धीरे धीरे उनको टाइम लगेगा ना करने में। अब इतने लोग कहते हैं कि नहीं 70 साल कांग्रेस कुछ भी नहीं किया, सब चीज़ मोदी ही ने किया, हमें तो नहीं लग रहा मोदी जी इतना जल्दी कर देंगे 5 साल के अंदर, इतना काम नहीं करवा पाए 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर इतना जल्दी कोई भी नहीं करा पाएगा, चाहे कांग्रेस हो या कोई भी हो, उतना काम नहीं करवा पाएगा, नहीं करा पाएगा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? राजन जायसवाल नाम है मेरा। राजन क्या करते हैं? राजन दुकान करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। दुकान करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, किस क्लास में, किस ग्रेड में पढ़ते हैं? क्लास 12th में। वोट बना है आपका? वोट अभी नहीं है मेरा, वोट नहीं बना है। अच्छा जी, ये बताइएगा कि मोदी जी पे बात हो रहा है, लोग बोलते हैं कांग्रेस काम करवाई, मोदी कांग्रेस काम मोदी नहीं कर, ने बहुत ज़्यादा काम कराया, बिजली गांव-गांव में मतलब बिजली भी पहुंच गई, जहां का ये गेला जोत है तो यहां पे कभी लाइट नहीं हो जलती थी वहां लाइट भी जली, हर चीज़ हुआ, सिलेंडर नहीं मिलता था, सिलेंडर घर पर सिलेंडर मिलता है यहां पे आके। अच्छा,
सिलेंडर मिलता है। हाँ जी बताइए, बोलते रहे कि मोदी जी ने काम करा दिया। वो तो सिलेंडर खाली, अब हमारे सिलेंडर ले पैसे लेके तब सिलेंडर मिल रहे हैं, तो वैसे कहाँ मिल जाएंगे भी? पैसे फ्री का, पैसे सब देना ही पड़ेगा। क्या नाम है आपका? कल लक्षर दिया। क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं। अरे कुछ बोल रहे थे, बताइए। नहीं कुछ नहीं। अरे बोलिए बोलिए। हाँ बताइए। जब पैसे दे के सब चीज मिलना है तो उसमें क्या फ्री वाला क्या योजना है? कुछ नहीं योजना है। हाँ जी साहब बताइए, क्या नाम है? पुष्कर श्रीवास्तव। क्या करते हैं पुष्कर? स्टडी करें, फार्मेसी करें, फार्मेसी। अच्छा भाई सुधाकर आपे का भाई है ना? ओके ओके, बड़ा हीरो हीरो बन के फोटो उतार रहा था। शुरुआत में बोले गाना सुनाओ तो नहीं सुनाया। अभी पढ़ रहा है 11 के आसपास। अच्छा हम लोग बातचीत शुरू कर रहे थे, आप कुछ बोल रहे थे, कुछ बातचीत करना चाह रहे थे। हाँ बताइए। मोदी जी ने काम किया वही सब बारे में बोलेंगे और क्या। पाँच साल, बोलिए बताइए बताइए। पाँच साल मैंने बहुत कुछ किया है। पाँच साल तक मैंने कुछ नहीं देखा था देश हित के बारे में, कुछ के बारे में। अब इतना कुछ समझ में आ रहा है, देश के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। और वो भी यही बोल रहे हैं कि पाँच साल में मोदी जी ऐसा नहीं काम नहीं कर रहा है, लेकिन मोदी जी अब ये बोलते हैं कि 70 साल में उन्होंने कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अपनी समझ है, जो उसको समझ में आएगा इतना ही बोले। आपकी क्या समझ है? आओ तो हमको जो समझ में आ रहा है हमारे लिए, तो देश के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। और कांग्रेस ने काम किया कि नहीं? कांग्रेस के काम तो हमको कभी दिखा ही नहीं है, अब मोदी जी के कार्यकाल में काम को दिख रहा है। हमारे गांव में लाइट नहीं थी, कुछ घर लाइट नहीं थे। इस समय क्या होता है, उनका जो लाइट वाला नियम आया है, लाइट लग गया है, खंभे लग रहे हैं, कुछ नहीं था, सब आ रहे हैं, सब हो रहा काम। और क्या चाहिए, काम से मतलब है, काम करेगा वो रहेगा, और देश हित में जो बोलेगा वही रहेगा। गोंडा पे बात कीजिए, गोंडा पे आपके राजा साहब अभी सांसद हैं यहाँ पे, राजा साहब जिनको कहते हैं आप लोग, उनके सामने पंडित सिंह खड़े हैं, कृष्णा पटेल खड़ी हैं। कुछ नहीं, राजा भैया जीत रहे हैं, अच्छे बहुमत से जीत रहे हैं। आप क्यों जीत जाएंगे? आप जीत रहे हैं, वो विकास कर रहे हैं, अच्छा है। क्या विकास करवाए? चलिए बताइए। जीत रहे हैं, पाँच साल में उन्होंने जितना काम हुआ उन्होंने किया, सड़क बनी, बिजली है, सब आया है। भैया के पास जाते हैं मिलने उलने, तो उनकी रैली ही रहती है कि हमको वहाँ उद्घाटन करने जाना है, यहाँ करने जाना है, ऐसे रहता है। मिलने जाओ कभी, अभी बीच में गए थे उनको, 135 या 140 सड़क का उद्घाटन करने जाना था, संत कबीर नगर या गोंडा के इधर उतरौला के साइड में कहीं बता रहे थे, अभी नहीं जान पा रहे कहाँ करने जा रहे थे। उन्होंने खुद कहा जाना है, आधे घंटे हम सब थे, मीटिंग थी, सब बढ़िया काम कर रहे हैं और जीतेंगे भी, अच्छे बहुमत से जीतेंगे, कोई नहीं है टक्कर में मोदी जी के अलावा। मोदी जी के अलावा आप जी बताइए, आप बी फार्मा कर रहे हैं ना? बी फार्मा कर रहे हैं। अक्सर देश में ना हम लोग रोजगार की बात करते हैं, पता नहीं आप कितना जानते हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ इसीलिए कि अक्सर देश में रोजगार की बात करते हैं, रोजगार कितना है देश में, लोग बोलते हैं रोजगार नहीं है, लोग बोलते हैं रोजगार कम हो गया, बोलते हैं रोजगार का आंकड़ा नहीं आ रहा है। आपका क्या कहना है रोजगार के बारे में? जब पढ़ाई लिखाई अच्छे से करेंगे रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? रोजगार कहाँ नहीं है, रोजगार तो सब जगह, कोई खाता पीता नहीं है, सब तो खा पी रहे हैं बिना रोजगार के ही। सबके पास रोजगार है, सबके पास रोजगार है, सब खा पी रहे हो, कोई पढ़ेगा लिखेगा वही नौकरी पाएगा। अब ऐसे सब नौकरी लेने लगेंगे तो कहाँ नौकरी मिलेगा? शिक्षा स्तर पे भी अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, और वो जीतेंगे या कुछ नहीं है, ये सब खाली है, मीडिया वाले हैं, मीडिया वाले अच्छा भी काम कर रहे हैं, और मोदी जी जीत रहे हैं, और राजा भैया भी मेरे जीत रहे हैं, गोंडा से राजा भैया भी जीत रहे हैं, आपको लगता है? हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सर चले ही गए टहलते हुए। हाँ जी आपसे बात करेंगे। अच्छा ये बात करने में बड़ा आप लोग को डर वर लगता है, बात हम लोग खाने थोड़े जाते हैं आप लोग को, कैमरा में से कुछ मुनोशवा टाइप का थोड़ा निकलेगा, पकड़ के ले जाएगा, हम लोग बातें तो करने आते हैं आपसे, है ना? क्या नाम है आपका? प्रदीप गुप्ता। क्या करते हैं प्रदीप? पढ़ाई कर रहे हैं इस समय। कौन क्लास में? इंटर फाइनल हुआ है। इंटर फाइनल है। वोट वोट तो बना नहीं होगा आपका अभी? नहीं बना। वोट क्यों नहीं बना हुआ है? कितना उम्र है अभी आपका? अभी हमारा मतलब 17 चल रहा है। 17 साल है, 17 चल रहा है अभी। 17 चल रहा है अभी, मैंने 16 ही साल के हैं अभी, है नी जी? तो ये बताइएगा कि अभी आपको क्या लगता है कि आप युवा हैं, ठीक है, युवाओं के बारे में कहा जाता है देश का भविष्य होते हैं युवा, युवाओं को क्या चाहिए अभी, सरकार से क्या चाहिए सबसे ज़्यादा, किस चीज़ की ज़रूरत है, किस बात की, किस एजेंडा, किस नियम, किस पॉलिसी की, किस कानून की ज़रूरत है, क्या लगता है आपको सरकार क्या करे आपके लिए ऐसा कि आपके लिए एक आइडियल सरकार हो, आदर्श सरकार इसको कहा जाता है? हमारे लिए यही लगता है कि इसे सारा मतलब सरकार सच्चाई पे रहे, मतलब अगर बच्चा मेहनत करता है तो उसे सफलता अच्छी मिली, बस यही। समझे नहीं फिर से सब। जैसे अगर बच्चा मेहनत कर रहा है, पढ़ाई में मेहनत कर रहा है, तो उसके पीछे जो घूस होता है, भ्रष्टाचार होता है, ये सब नहीं होना चाहिए, सरकार को अपनी टाइट रहनी चाहिए, सरकार को भ्रष्टाचार पे सख्त रहना चाहिए। हाँ, आपको लगता बिल्कुल है? बिल्कुल। अच्छा और क्या सच्चाई की आपने बात की, सच्चाई का मतलब क्या हुआ? सच्चाई मतलब जैसे कुछ लोग घूसखोर होते हैं, इनके पीछे मतलब डटे रहना चाहिए, देखना चाहिए, उनके घूसखोर होते हैं उनके पे डटे रहना चाहिए। और क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को और मतलब बेरोजगारी तो इस समय तो मतलब कम है, मोदी जी आएंगे तो शायद और भी हल्का हो जाए।
जी मोदी जी बेरोजगारी कम की है आपको लगता है और आने समय में और भी जैसे जो पढ़ेंगे मेहनत से पढ़ेंगे वही सफलता होगी। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? सूर्य केस नाम है। सूर्य केस गुटका उटका दवाएं क्या सूर्य केस जी? बिल्कुल खाए हैं जी गुटका दवाएं हुए हैं। अच्छा ये बताइए सूर्यकेश जी, हम लोग पूछ रहे हैं कि मोदी जी कैसा काम किए क्या काम किए, हम लोग कोई ये नहीं बता पा रहा है कि अभी गोंडा में काम करने के लिए क्या गोंडा में कौन सा काम बचा हुआ है, कौन सा काम किया जाना बचा हुआ है, ये जाना बहुत काम बचा हुआ है जी। कौन सा बताइए? जैसे अभी बहुत लोग शौचालय नहीं बनवाए, ये मोदी जी ने दिया है, बहुत लोगों को भी आवास नहीं मिला है, बहुत काम बचा हुआ है अभी सर। बहुत जगह सड़क नहीं बनी हुई है, कच्ची सड़क है, आने जाने के लिए रास्ते भी नहीं हैं, लेकिन काम बहुत किए हैं मोदी जी, अच्छा काम कर दिए हैं 5 साल में। लेकिन आप ही बता रहे थे कि कांग्रेस 70 साल में मोदी जी कहते हैं कुछ काम नहीं किए, ऐसा गलत बात है, ये तो इल्ज़ाम लगाना हो गया। इतना काम कर दिए हैं मोदी जी कि आने वाली किसी सरकार ने नहीं किया है। नहीं, वो कह रहे थे मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस 70 साल कोई काम नहीं की, वो कहते एक मिनट अरे बतिया तो सुन लीजिए भाई, वो यही कह रहे थे कांग्रेस 70 साल में कोई काम नहीं, कांग्रेस 70 साल में जितना काम कर दिया वो कह रहे थे, मोदी जी 5 साल में कुछ भी नहीं कर पाए उसकी तुलना में। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी ने बहुत काम किया है। कांग्रेस ने काम किया था कि नहीं? किया था, उन्होंने भी किया था, लेकिन मोदी जी से कम किया था। मोदी जी 70 साल में, मोदी जी ने 5 साल में जितना काम किया, कांग्रेस 70 साल में नहीं किया। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, 70 साल में काम किए हैं वो, लेकिन कुछ ज़्यादा ही 5 साल के बीच में ही मोदी जी ने बहुत काम करके दिखाया है। क्या क्या काम? जैसे बिजली हो गया, अब ये 70 साल के अंदर बहुत से ऐसे गाँव में बिजली नहीं पहुँची थी, जहाँ ये 5 साल के अंदर ही बिजली पहुंच गई, उनके रास्ते दुरुस्त हो गए, और जो बचे खुचे आदमी थे उनको जो है आवास भी मिल गया, लेकिन थोड़े बहुत अभी और बचे हुए हैं और शायद उनको भी मिलने वाला है, जो ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो बेघर लोग हैं जो छप्पर के घर में रहते हैं उनको भी मिल जाएगा जल्द ही, 2-3 साल के अंदर ही वो भी जो है बेघर उनको मिल जाएगा, ऐसा सुनने में आता है। आप नौकरी करते हैं कि किसानी करते हैं, क्या करते हैं? किसानी करते हैं जी, नौकरी नहीं करते हैं। यहाँ से गोंडा में जो लोग नौकरी करते हैं वो लोग कहाँ जाते हैं नौकरी करने? अब नौकरी करने की जो जहाँ नौकरी जिसको मिल जाएगी, चाहे बस्ती में नौकरी है कहीं या फिर गोंडा में नौकरी है, फैजाबाद में नौकरी है, जा रहा है आदमी, कोई यहीं पर धंधा कर रहा है अपना, यहीं कर रहे हैं लोग। अच्छा जी, क्या नाम है आपका सर? ओम प्रकाश चौहान नाम है। ग्राम पंचायत पंचायत में है क्या? मैंने कि यूपी में ही देखे हैं जो गांव के नेता लोग, किसान गांव के नेता लोग होते हैं ऐसे सफ़ेद शर्ट सफ़ेद पैंट वैंट पहन के सफ़ेद गमछा वमछा बांध के पेन वेन खोस के निकल जाते हैं, नेतागिरी कुछ है क्या हिसाब किताब? नहीं, नेतागिरी कुछ नहीं है। क्या नेतागिरी? क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, ऐसे काम करते हैं बेरोजगार। क्या काम करते हैं? टेंट की एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। टेंट हाउस है आपका जी? हाँ जी। क्या लगता है आपको गोंडा में क्या मसला है चुनावी का, चुनाव का? मसला नहीं है, मोदी जीतेंगे जो है। अरे भाई ये तो आप चुनाव का रिजल्ट है बता दे रहे, हम पूछ रहे मसला पूछ रहे, आप चुनाव का रिजल्ट बता रहे हैं, हम पूछे गोंडा में मसला क्या है, गोंडा में क्यों चुनाव होगा? तो आपको कुछ चाहिए ना, जनता को चाहिए होगा कुछ काम बचा है वो काम किया जाए। जनता को मिल रहा है मोदी के कार से संतुष्ट हैं लगभग। तो आप संतुष्ट हैं मोदी के कार से? बिल्कुल संतुष्ट हैं। चलिए मोदी कौन से कार्य से संतुष्ट हैं? सब जो भी विकास कार्य उनका हो रहा है, उनका बहुत तेजी से कार्य हो रहा है, जो भी विकास कार्य का योजना उन्होंने लागू किया वो जो बहुत तेजी से भागता है, इसी से संतुष्ट हैं कि जो कितना तेजी से भागता है इतना, वो लगभग 110 स्पीड के जो है 110 की क्या भाग 110 की स्पीड से मोदी जी भागते हैं कि मोदी जी की योजना भागता है? उनका योजना भागता है, मोदी जी का योजना जो है वो 110 की स्पीड से भागता है। क्या नाम बताए थे? ओम प्रकाश चौहान। ओम प्रकाश चौहान बता रहे हैं मोदी जी का योजना 110 की स्पीड से भागता है। 110 की स्पीड से भाग के कहाँ निकल जाएगा? इंग्लैंड कहाँ? इसी में पूरे जो है क्षेत्र में बिखरा है, पूरे क्षेत्र में बिखरा रहा है, काम हो रहा है तेजी से। अच्छा कौन सा योजना मोदी जी का 110 की स्पीड से भागता है? लगभग जो है शौचालय है, बुलेट ट्रेन आएगी इससे तेज भगाएंगे मोदी जी हमारे, बिजली का कार है, रोड का है, कॉलोनी का है, ये गैस सिलेंडर का है, कनेक्शन का है, शौचालय भाग जा रहा है 110 की स्पीड से। कितना बन गया जाके गांव में देखिए कितने बन गए जो है, जो बना है वो रुका एक सेकंड। अरे क्यों पड़े हैं? छत भी नहीं पड़े हैं अभी, किसी को कुछ सहयोग आपको भी तो करना चाहिए। 12,000 में आप ही बताइए शौचालय तैयार हो जाएगा, आप ही बताइए। आप दे रहे हैं कम दे रहे हैं भाई, अब ऐसे थोड़ी 12,000 में शौचालय तैयार हो जाएगा अभी, आपको करना है, आप नहीं बनाएंगे कौन बनाएगा भैया? उपयोग आपको फ्री कैसे दे दिए? 12,000 में शौचालय तैयार हो जाएगा, आप ही बताइए। आप नहीं तो वो किसके लिए बन रहा है जो 12,000 में नहीं तैयार हो रहा है? दे दिया हूँ गैस, दे दिया शौचालय फ्री कर दिया हूँ मैंने,
और भी बिजली जो भी आप करेंगे और 12,000 कम है भैया, आप सोए बोले खा मोदी ने थोड़ा बहुत राहत दे दी, आप फ्री का श्रमदान कर दीजिए उसमें जो है, ये वाला शब्द नहीं सही अच्छा लगता है। आप करेंगे 12,000 में कोई नहीं शौचालय नहीं बन पाएगा, न गैस सिलेंडर मिल जाएगा, गैस सिलेंडर लेने जाओ फिर भी उसमें रिश्वत लग जाती है, उतर ले आओ खाली हुए जेब से मैं दिया हूँ गैस सिलेंडर बनवाने के लिए, लेने ना किया हमारे नाम से कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। आप उनसे मोदी से पूछिए और गैस सिलेंडर वाले से पूछिए कि जो निशुल्क देते हैं पैसा क्यों लेते हैं, पूछे जो है आपसे क्यों पूछे, आप कौन हैं, आप कौन नेता हैं, मीडिया से पूछिए आप, अब मीडिया से बात कर रहे हैं, आप कौन होते हैं उसमें बोलने वाले, जैसे कह रहे हैं मोदी जी नहीं गए भाई, भाई मैं भी अपने दिक्कत समस्या बताऊंगा ना, कम है कोई जो है जब 12 रुपया लगा दो जो है, एक बार माथा मत फोड़ लिया आप लोग अपना, हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक बार शौचालय बनवाने के लिए छोटा सा कितना पैसा चाहिए लगता है, कम से कम मीडियम कोई जो योजना लेके ये लाख 60,000 तो लगेगा जो बनवाने में जो है, जो ये बता रहे हैं 1,60,000 के आसपास लगेगा शौचालय बनवाने में, 100 शौचालय बनवाने में है, हाँ थोड़ा वो जो सिस्टम जिस तरीके से बना है वो बन जा रहा है, लग पाएगा ढंग से सही से 12,000 की सीट ही नहीं ढंग से मिल पाएगा उसमें लगने के लिए, 12,000 वाले का दिखवा दें जो लोग टाइल्स लगवाए हैं उसी में, अरे 12,000 में टाइल्स लग गया, हाँ टाइल्स लग गया है, चलो दिखाएं जो है, पंखा भी लग गया होगा, लाइट भी लग गया है, सब लगा है, पंखा लाइट जो है सब के अंदर 12,000 में, हाँ 12,000 में, और अपना सहयोग किया है वो। मुझे नहीं बोलना, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मुक्तेश श्रीवास्तव, मुक्तेश जी बताइए बोल क्या बोल। नहीं ये जो कह रहे हैं टाइल्स लगा, जिसके पास होगा वो लगाएगा, जिसके जिसके पास नहीं हो क्या करेगा मैडम, ये बताए हैं कि 12,000 में शौचालय बन रहा है, पहले तो कहे कि मोदी जी का सब योजना 110 की स्पीड से भाग रहा है, हाँ फिर बोले कि शौचालय बन रहा है उसमें शौचालय में लोग 12,000 में टाइल्स भी लगवा रहे हैं, पंखा बत्ती भी लगवा दे रहे हैं, यही गांव है इसी में कोई हाई फाई रहता है, कोई खाने को नहीं मिलता है, ऊपर से बहुत कुछ दे रहे हैं मोदी जी, हम नहीं कर रहे हैं लेकिन यहाँ सबको मिलता नहीं है, 16 आना आता है तो 1 आना नहीं मिलता है किसी को, 10 रुपया दे रहा है बिना स्वार्थ का बाबू, कौन दे रहा है मोदी जी से क्या स्वार्थ है जो इतना पैसा सबको दे रहे हैं, उनसे उनके पास कौन कोई स्वार्थ करने जा रहा है, फ्री का नहीं दे रहे वो वहाँ से दे रहे हैं अनुदान दे रहे हैं, तो यहाँ से देने में किसी को क्या दिक्कत होती है, यहाँ में अब यहाँ की जो गलती कर रहा है तो उसके लिए वो उसकी गलती उनके ऊपर तो जाता है कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, करते आप लोग हैं क्या किए हैं, ये वही जो कह रहे हैं कि टाल्स लगा रहे हैं, कोई टाल्स लगाता कोई खाता है बेचता है, कोई किसी को खाने को नहीं अटता है, सरकार तो गरीबों को देती है लेकिन गरीब को मिलता कहाँ है, आपके कहने का मतलब है कि मोदी जी के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं और क्या, गलत प्रचार कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत प्रचार, बात सही है जो प्रचार जो कह रहे हैं फ्री, ये गलत शब्द वो है जो जो फ्री वाला नहीं बोलना चाहिए, हाँ ये थोड़ा बहुत योगदान दे रहे हैं जो भी है 12,000 में स्टार्ट किया, जो थोड़ा बहुत अपना कि आप लोग सहयोग करके एक गड्ढा दो गड्ढा बनवा लीजिए 4 फुट का, लेकिन आप इतना महंगा बनवा रहे हैं, लेते हैं 12,000 दे के कर्जा वापस तो ले नहीं रहे, गिरा गए गुरुदेव, हाँ जी गिरा गए आप, अरे ठीक है गिरा गए तो फ्री का कोई 10 रुपया दे दे किसी को, नहीं तो फ्री का जो भी दे रहे हैं फ्री का जो कह रहे हैं वो भी हमारे तुम्हारे दे रहे हैं, हाँ जी बोलिए आप बताइए लोग नहीं दे रहे, शांत रहिए मैडम, आप लोग नहीं दे रहे हैं फ्री का लेकिन मोदी जी क्यों सबको फ्री से वहाँ से दे रहे हैं, पहले आप ये बताएं मुझे, उनके पास खजाना खाली है, हमारे सबकी जेब से ही दे रहे हैं जनता, हमारे सबकी जनता के ही पैसे आगे दे रहे हैं, जनता के ही पैसे जनता को हाँ मिल रहे हैं, मोदी जी जनता को पैसा दे रहे हैं लेकिन वो गरीब को नहीं मिलता, जितने बड़े लोग हैं उतने खा के हजम कर लेते हैं, गरीब क्या करेंगे चिल्लाएंगे गांव में, बाहर पहुंचते हैं नहीं कोई जाता नहीं, अब हम भी लोग यहां पर आवास में नाम दिया गया, नाम काट दिया गया, हमने तहसीलदार के यहां दिया, DM के यहां दिया, उसमें लिख कर लोग गाँव में रहती नहीं है, अब ये जो रिपोर्ट लगा जबकि मेरे आधार पहचान और मोदी जी का यह स्वास्थ्य मिशन का सारे कार्ड मेरे पास है तो क्या हम यहां नहीं रहते हैं, ऐसा क्यों लिखा गया, फिर क्यों रिपोर्ट लगा दी गई कि ये गाँव में नहीं रहती है, इसके प्रूफ क्या, आधार दे पहचान दे आवाज दे खतौनी दे क्या रिपोर्ट दे दे रहने का, ये सब मुझे कहाँ से बना, उन्होंने दिया तुम्हें क्यों काट रहे हो, बिल्कुल पहुँचना चाहिए, आपका सुर बदल गया आप भाई साहब, नहीं नहीं आपका जो है आपका सुर बदल गया मैडम, मैडम आपको लपेट दी, सर मेरे ऊपर जो बीत रहा है 4 लोगों के बाद जो मुझे जितनी हड़प मिलती है जो मेरे ऊपर बीत रहा वो मैं अपनी व्यथा कथा कह रहे हैं, गाँव के लोग लगा देते रिपोर्ट नहीं रहती, हम लोग जब हमारे पास इतना चीज है तो हम रहते नहीं है, तो मुझे आधार कैसे बना, परिवार रजिस्टर कैसे हुआ, ये कैसे क्यों नहीं होता, कोई पुत्र नहीं था, क्या नाम है आपका, मुक्तेश, इनका आपका भी नाम है, बहन है हमारी, दोनों लोग का एक ही नाम है क्या, नहीं नाम अलग
अलग अलग है, लेकिन जैसे जैसे हमारे पिता के कोई पुत्र नहीं था, वो सब दे गया था, हम लोग यहाँ रहते हैं, तो जब हम लोग परमानेंट यही रहते हैं तो हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। आपका नाम क्या है पहले बताइए, मुक्तेश इनका नाम है कि इनका नाम है? मुक्तेश तो इनका नाम है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम दुर्गेश है। दुर्गेश, अच्छा जी, हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे मुक्तेश। ये कह रहे हैं जैसे मान लीजिए हमारे पिता के कोई औलाद नहीं थे, लड़कियाँ थी, उन्हीं के नाम प्रॉपर्टी कर दिए, तो क्या हम लोग यहाँ के निवासी नहीं हुए? खेतौनी है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, और यह है जो ये आयुष्मान भारत का ये कार्ड है, राशन कार्ड भी कार्ड दिया गया, और फिर भी मैंने वहाँ दिया आवास में नाम दिया, नाव देने के बाद में वो कार्ड दिया, हमने उससे पूछा तहसील में दिया तो वहाँ से रिपोर्ट लगा दिया कि ये लोग यहाँ रहती नहीं है। शेष इन्होंने बताया अभी तो, हाँ तो ये रहती ना, उसके बाद में न लैट्रिन है न मकान है, कुछ तो नहीं है मेरे पास। गैस सिलेंडर मिला आप लोग? कुछ भी नहीं मिला मुझे, सिलेंडर नहीं मिला मुझे, मिला था उन्होंने। आपको मिला है? आपको नहीं मिला? नहीं। लेकिन जब इतना कह दे, नाम भी काट दिया तो मिलेगा कहाँ? जब इतना कह देते हैं कि नहीं मिल रहा है तो भैया हम लोग हैं नहीं ऐसे, और कहते हम कह 10 लोगों से पूछवा देंगे कि हम गांव में रहते हैं, कहते हैं 20 लोगों से मैं लिखवा दूंगा कि मैं तुम गांव में नहीं रहती हो, तो हम घंटी कह लगे हम ऑनलाइन भेज देंगे। शिकायत किया आप लोग राजा साहब से यहाँ पे? राजा साहब ने वहाँ तहसील में दिया था। राजा साहब आपके यहाँ पे बगल में ही रखते हैं, आप लोगों को बताते हैं यहीं के विधायक यहीं के सांसद के तो हैं मनका पिकर, लेकिन अभी वहाँ से इलेक्शन चल रहा था उनसे नहीं मिले हैं। तहसील में दिया था, जो रिपोर्ट लगा ऑनलाइन उसी की कॉपी है, उसी के हम सोच रहे हैं कि ऑनलाइन हम वहाँ पर कर देंगे। हाँ ऑनलाइन से वहाँ से क्या रिपोर्ट लगा? अगर मोदी जी गरीबों के लिए बिल्कुल बेसहारा को सहारा नहीं देते तो घर खेत खलिहान चला गया? नहीं का सड़क पर मांग के खा तो लेंगे जब नहीं मिलेगा सरकार से पैसा। हाँ जी, आप तो मोदी सरकार को फुल पॉइंट दे रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी सरकार एकदम काम कर रहा है, ये सब कहने दीजिए, सब सब काम हो रहा, बढ़िया काम हो रहा, कुछ नहीं। दो लोग बता जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मिसकी उस मिला है, पहले सुनिए आप अपनी अपनी बात कहें। नहीं जो ये बात कह रहे हैं सही है, ये जो उसकी जितनी हमने ऑनलाइन दी है उसकी नेट से पूरी कॉपी सर मेरे पास रखी है, क्या रिपोर्ट लगा दी? गांव में चल के देख लीजिए कितना आवास मिला है, कितना शौचालय है, चल के देख लीजिए। सुनो, जिसके पास है घर द्वार है, जिसके पास छपरा उनको नहीं मिल रहा है, जिसको छपरा पक्का बना है उसको मिल रहा है, तो इसी के कारण हम सब छपरा में है। कालम पूरा होता जा रहा है, गाँव एड होते जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई अधिकारी की कमी यही है कि घर घर जाके देखता नहीं है, पूछता नहीं है, धड़ल्ले से सब लोग अधिकारियों की कमी, अगर वो आते देखते हैं जैसे आगे मिलके चले गए कोई बात नहीं, वो भी घुस लेके चले जाते हैं, अगर पब्लिक से मिले हमसे मिले मेरा दुख दर्द इनसे मिले बांटे तो सारी असलियत सामने आ जाएगी, कमी उन लोगों की। तो मुक्तेश दुर्गेश जी हैं यहाँ पे, उनके साथ के गांव के दूसरे लोग भी हैं जी। टीवी पे, अरे पहले हम बात तो खत्म तो कर लें, खत्म टीवी चला रहे किस चैनल पर आएगा, अरे खत्म तो कर लें पहले मैडम, बात तो बात कर लें। तो मुक्तेश दुर्गेश जी हैं, ये लोग बता रहे हैं कि इनके गांव में इन्होंने साफ सब कुछ दिया लेकिन शौचालय और घर कुछ नहीं मिला, गैस सिलेंडर एक बहन को मिला एक बहन को नहीं मिला है। बताती हैं कि इस डिस्क्रिमिनेशन का कारण क्या है कि इनके पिता की कोई पुत्र नहीं था तो सारा प्रॉपर्टी इन दोनों बहनों के नाम किया गया, लेकिन बता रही हैं कि लड़के और लड़की में भेद किया जा रहा है, यही ना, लड़के लड़की में तहसीलदार भेद कर रहे हैं। फिर भी कहती हैं कि मोदी सरकार की योजनाएं हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार योजनाएं फ्री में नहीं दे रही है, जनता के टैक्स पेयर से ही जनता को पैसे दिए जा रहे हैं। साहब नेता साहब थे, पता नहीं कहाँ घिर गए कि पीछे जाके खड़े हो गए, अब तो बोले नहीं रहे। तो ये है बल्लीपुर से हमारी बातचीत, दिल्ली टॉप की चुनावी यात्रा में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। कैमरे के पीछे विभव है, हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारा ऐप भी है उसे इंस्टॉल कीजिए, तब तक के लिए शुक्रिया। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर, दिल्ली टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो सबसे पहले इंस्टॉल करो।